जय श्री राम। मैंने पिछले वीडियो एक इन्वर्टर बनाया हुआ था जो कि ल्यूमिनेंस पे था, जो कि जैसे मैंने वो पूर्णतः हमारे पास डेड हालात में आई थी, तो मैंने उसको तो सही कर लिया, लेकिन इन्वर्टिंग उसका सही है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जबकि आपकी इन्वर्टिंग सही रहती है, लेकिन जब चार्जिंग मोड जाती है ना, तो आपकी वन का रेजिस्टेंस जो लगाए रहते हो यहाँ पे, जो अभी आपको दिख रहा है ये वाली रेजिस्टेंस जो लगाए रहते हो, जब भी चार्जिंग मोड पर जाती है तो आखिरकार ये रेजिस्टेंस क्यों जल जाती है, कितने सिचुएशन में ये देखने को आपको मिलती है। हालांकि हमारे पास भी जब इन्वर्टर आई बनने के लिए, तो हमने डायरेक्टली चेकआउट किया तो ये रेजिस्टेंस ख़राब था, तो हमने रेजिस्टेंस को डाला, सेट हमारी ऑन हो गई, लेकिन फिर से हमारे पास कंप्लेन में आ गई कि जैसे ही चार्जिंग मोड में गई तो फिर से ये रेजिस्टेंस से स्मेल आने लगी और रेजिस्टेंस जल भी गई। तो आखिरकार क्या रीज़न हो सकता है जिसके कारण से आपकी जो रेजिस्टेंस होती है बार बार जल जाती है? तो चलिए ना आज इसी पे विशेष रूप से बात करेंगे। अगर आपके पास भी इस तरह के ल्यूमिनेंस की इन्वर्टर कोई भी सेट है तो आप आसानी से इस वीडियो को देख करके सीख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आपको इस वीडियो में विशेष रूप से बताते हैं कि आखिरकार ये रेजिस्टेंस क्यों जलता है। तो जैसे मैंने इस इन्वर्टर को ऑन करके दिया, पार्टी के पास गई, तो फिर से वो कंप्लेन में हमारे पास आ गई कि आखिरकार ये रेजिस्टेंस बार बार जल जाती है, तो आखिरकार क्यों जलती है? जैसे इस रेजिस्टेंस का बात करूँ तो मैंने पिछले वीडियो में आपको रेजिस्टेंस के वैल्यू के बारे में नहीं बताया है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू की बात करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ohms की रेजिस्टेंस यहाँ पर डाली जाती है। तो 1 ohms की रेजिस्टेंस हमारी जब जल गई तो यहाँ पर देखो 1 ohms का दो, मैंने तीन रेजिस्टेंस लगाए हैं कि हो सकता है वोल्टेज नहीं मिल पा रही थी जिसके कारण से रेजिस्टेंस जल जा रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, मैंने यहाँ पर 2 resistance भी डाल करके ऑलरेडी चेक, कोई भी फर्क इसमें नहीं पड़ रहा है। तो आखिरकार मैंने 1 watt के भी रेजिस्टेंस दो डाले नहीं चल रहा है, लेकिन 0.5 watt के एक ही रेजिस्टेंस पे आखिरकार क्यों रन करता है? तो चलिए विशेष रूप से इसी पे बात करेंगे। देखिए सर्वप्रथम तो मैं इस बोर्ड को अब बाहर लूँगा, क्योंकि अब जो भी इसका जो भी कार्यक्रम होगा सो कि बाहर लेने के बाद ही होगा, जिससे आप आसानी से समझ पाओगे। सो भाई मैंने कार्ड को बाहर ले रखा है, उसके बाद देखो मैंने इसमें तीन रेजिस्टेंस जोड़े हैं जो कि 1 ohms का होता है, और ये 1 watt में हमने जोड़े हैं। रीज़न ये हुआ कि हो सकता है कि आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण से यह रेजिस्टेंस आपकी बार बार जल जा रही थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या होता है कितने सिचुएशन में आपकी कार्ड की देखो तो ये बीच में जो कैपेसिटर लगाए गए हैं, ये देखो दोनों कैपेसिटर वीक हो गई है, यानी कि फूल गई है, जिसके कारण से क्या होता है इन्वर्टिंग सेक्शन तक तो ये सही रहता है कि इन्वर्टिंग आप कितना हो दिन तक देर तक चलाते रहो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन जैसे ही ये चार्जिंग मोड में जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है एम्पियर हाई होता है, और ये कैपेसिटर लगाए रहते हैं ये आपका फ़िल्टर का काम करते हैं, करंट को फ़िल्टर करती है। लेकिन जब ये कैपेसिटर ख़राब हो रहे होंगे तो उसके बाद में डायरेक्टली जो ये बिना फ़िल्टर की करंट होगी डायरेक्टली इधर से होकर आपकी मेन कंट्रोल आईसी के पास जब पहुंचती है तो ये आपका सिग्नल करता है कि भाई साहब ये करंट सही नहीं है, जिसके कारण से ये रेजिस्टेंस जल जाती है। रेजिस्टेंस लगाने का मेन मकसद ये होता है कि आपकी जो इन्वर्टिंग सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपकी कंट्रोल आईसी सेक्शन में कोई भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो ये आपकी इन्वर्टिंग या आपकी रेजिस्टेंस जल जाती है। ये रेजिस्टेंस डायरेक्ट भी कर दोगे तो चलेगा, लेकिन डायरेक्ट आप करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्ट आपका ये जो कंट्रोल आईसी है डायरेक्ट कंट्रोल आईसी आपकी चली जाएगी, इसलिए रेजिस्टेंस लगाई जाती है। तो अब देखो उस सिचुएशन में आपको क्या करनी होगी, ये रेजिस्टेंस के साथ साथ आपका ये दोनों जो फिल्टर इसके लगाए गए हैं कैपेसिटर, इन दोनों को भी चेंज करना होगा। तो ये हमारे पास देखो दो कैपेसिटर हैं इसी में से निकले हुए। वैल्यू का बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हो इसका वैल्यू आप देखो 1535 में 1500 ही, और दोनों कैपेसिटर आपके वीक हो गए हैं ऊपर के साइड से, ऐसे देखो दोनों के कैपेसिटर आपके फूल गए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये फ़िल्टर नहीं करेगा करंट को, जिसके कारण से आपकी भी इन्वर्टिंग जो होगी चार्ज नहीं हो पाएगी, तो इसके जगह पे सेम कैपेसिटर आपको लेना होगा। जैसे देखो हमने भी सेम कैपेसिटर ले रखा है, 15 में आपका देख सकते हो 35 में 1500 की कैपेसिटर। और दूसरा चीज़ ये कि इसकी स्पेस जो होती है कम होती है, इसलिए आपको पतले कैपेसिटर लेने होंगे जो कि आपकी इसके बीच में आ सके। कंडेंसर लगाने से पहले एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि बोर्ड में आपकी प्लस माइनस की सिंबल बनी रहती है। ये साइड देखो, एक साइड जो ये लेबल बनाई गई है ये माइनस की सिंबल है, आप कैपेसिटर में भी देखना माइनस की भी सिंबल एक बनी रहती है। ये वाली जो हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपका माइनस का सिरा होता है, तो ये कभी भी आपका ये साइड वाले में रहेगा। तो जैसे देखो हमने कैपेसिटर भी दोनों चेंज कर लिया, साथ साथ रेजिस्टेंस भी हमने देखो नीचे के साइड से हमने रेजिस्टेंस भी लगा लिया 1 ohms 0.5 watt का, ऐसे देख सकते हो आप। आप रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग कुछ देख सकते हो, रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग यूँ होता है। और इसकी जो पैकेट का बात करूँ, पैकेट आपको कुछ यूँ ढंग से आते हैं जो कि 1E का आप देख सकते हो 1 ohms का ये रेजिस्टेंस हो जाता है, और इसी में से मैंने रेजिस्टेंस को इसमें डाले हुए हैं। तो हमारी सर्किट पूरी कंप्लीटेड हो गई है। जैसे हमारी कैपेसिटर पिछले वाली वीक थी तो इसको हमने हटा रखे हैं, तो हमारी सर्किट पूरी कंप्लीटेड है। अब इसको इन्वर्टर में डालते हैं और बड़ी बैटरी के साथ हम इसको टेस्ट शुरू करते हैं, क्योंकि कितने लोग आपको छोटे बैटरी के साथ टेस्ट करेंगे तो फिर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, परफेक्ट रूप से एम्पियर नहीं ले पाती है। तो जैसे कि आपने देखा हमने इसको अभी इन्वर्टिंग बोर्ड में लगा रखे हैं, ऐसे देखो मैंने बड़ी वाली बैटरी से इसको कनेक्ट कर रखा है, एक साइड का बैटरी, और क्लैंप मीटर भी हमने लगा रखी है। क्लैंप का रीडिंग अभी देखो कितनी आ रही है, 0.15 ampere ले रहा है, यानी कि अभी ये इन्वर्टिंग मोड में है और ये इन्वर्टिंग से लगा हुआ है। हमने अपने इन्वर्टर को ऑफ कर लिया हुआ है, ऐसे देखो मैंने सप्लाई वप्लाई सब कुछ ऑफ कर लिया, डायरेक्टली पावर इसको यहाँ से हमने दे रखा है। तो ऐसे जैसे ही पावर को हमने ऑन किया
जाती है। अब देखो हमारी ट्रैक कब बदलेगी और जाएगी चार्जिंग मोड में। ये देखो ये चली गई अभी, देखो चार्जिंग मोड में। अब चार्जिंग का सिंबल आ जाएगा, उसके बाद में देखना एम्पियर चार्जिंग की सिंबल आ गई। और ऐसे देखो एम्पियर इसकी देखो कितनी लेकर के चली गई चार्जिंग के लिए, चार्जिंग के लिए लेकर के चली गई आपका 13.8 एम्पियर। और अब टाइम हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, क्योंकि इतना टाइम तक तो ये रेजिस्टेंस पूरी हीट हो जा रहा था और पूरा रेजिस्टेंस जो होता है जल जा रहा था, लेकिन अभी देखो कोई भी नहीं जल रहा है। मैं एक मिनट का वेट करता हूँ, क्योंकि हमारी जो चार्जिंग पॉइंट है वो आपका 10 एम्पियर, देखिए 13 एम्पियर 12 एम्पियर से ये चार्ज ले रहा है। आगे के साइड से देखो चार्जिंग अपडेटेड है, लेकिन हम थोड़ा सा एक मिनट का वेट करते हैं इसलिए, ताकि एक मिनट के अंदर अंदर अगर आपकी हीटिंग होने वाली होगी तो हीट हो जाएगी, और आपकी जो इसमें से जैसे ही मतलब कि चार्जिंग आ रही थी तो उसमें से एक सेकेंड मतलब एक मिनट तो काफ़ी हो गया मेरे भाई। जैसे ही चार्जिंग आ रही थी तो कम से कम 5 से 6 सेकंड के अंदर अंदर इसमें से धुआं आनी शुरू हो जा रही थी, जो कि रेजिस्टेंस डेड हो जा रहा था। लेकिन अभी हम रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं हाथों से, तो कोई भी हीटिंग वगैरह नहीं है, जो कि हमारी रेजिस्टेंस परफेक्ट रूप से काम कर रही है। और चार्जिंग पॉइंट आप देख सकते हो 12 एम्पियर ये ले रहा है। जैसे जैसे बैटरी फुल चार्ज होगा ये एम्पियर आपकी घटती हुई चली आएगी। तो आपके इन्वर्टर के साथ भी ऐसी अगर प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी लाइट कट गई हमारी जिसलिए चार्जिंग छोड़ दी है, तो ऐसे अगर आपके इन्वर्टर के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आसानी से इस वीडियो को देख करके आसानी से बनाई जा सकती है। सो मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी नॉलेज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं के साथ आपका भाई प्रिंस, जय सियाराम।